चलो ये लो, अपने बैग में डाल दो ये। तो तुमने फैसला कर लिया उसके साथ जाने का? हाँ मैंने सोच लिया। और वो लोग जो शाम में आ रहे हैं, वो लोग तुम्हें देख लेंगे। अच्छा ये अच्छा है ना कि एक गाय रस्सा तोड़ा के भाग रही है तो मैं दूसरी बकरी आगे कर देंगे। ये लीजिए बकरी हाजिर है, गोश्त भी बहुत मिलेगा और सींग भी नहीं मारती। इतनी बुरी मिसाल देती हो तुम। अरे सुदेश आ गया। मुझे नहीं पता था कि आजकल जो शैतान है ना वो कीमती गाड़ियों में आने लगे हैं। बुरी हो तुम, उसे शैतान के साथ मिला रही हो। मैं आ जाऊंगी, सच्ची में मैं आ जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता चले ना चले ना, उस सज्जल को जरूर पता चलेगा, उसे डेफिनेटली कोई ना कोई बताएगा। अल्लाह करे उसे पता चले और वो अंगारों पर लौटे। सही लग रही है ना, स्टाइलिश। बाय। हाय हाय। लगता है तुम्हारी बहन को हमारी दोस्ती नहीं पसंद। सारी बहनें एक जैसी होती हैं, मैं बहन भाइयों की खुशियों से ना खुश। ये बात तो सही, as long as हम खुश हैं, है ना? ठीक। कैसा लगा तुम्हें ये रेस्टोरेंट? अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। यहाँ टेबल मिलना इतना आसान नहीं है। थोड़ी देर में आ जाना। तुम्हें तो यकीन नहीं आ रहा होगा तुम कहाँ आ गई हो। क्यों, मेरा यहाँ आना इतना नामुमकिन है? अब इतना भी नामुमकिन नहीं था, आ तो गई हो। क्या तुम ऐसी बातें करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। खैर मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ कि छोटी छोटी बातें मुझे बुरी लगे। हाँ अगर आम लड़कियों की तरह होती तो मेरे साथ यूं ना बैठी होती। तुम बहुत खास हो, सबसे मुनफरिद, यूनिक। हमारे दोस्तों से भी ज्यादा? सबसे ज्यादा। क्या तुम जिंदगी भर इसी तरह लड़कियों के पीछे भागते रहोगे? तो इसमें बुराई क्या है? यानी तुम मुझे भी उन लड़कियों में शुमार करते हो? समाह मैंने कहा ना तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। हाँ लेकिन मैं उनकी तरह फालतू नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे ही फिरती रहूं। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? तुम मुझे बता सकते हो आज हम यहाँ क्यों आए हैं? किस रिश्ते से? हम दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? तो और क्या? तुम लड़कियों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी दोस्ती हुई नहीं होती और रिश्ते डालने लग जाते। लड़कों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम लड़कियों को सिर्फ टाइम पास समझते हो और हर किसी को दोस्त बनाने बैठ जाते हो। तो इसमें गलत क्या है? वो मेरे साथ घूमती हैं फिरती हैं, मैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जो उनको चाहिए खरीद के देता हूँ, ठीक है? तकलीफ दे हद तक सच बोलती हूँ, मैं सच बोलना मुझे भी आता है। मैं तुम्हारी क्लास से बिलोंग नहीं करती जहाँ ये सब गलत नहीं समझा जाता। जिस क्लास से मैं आई हूँ वहाँ लड़कियों का इस तरह उठना बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने माँ बाप को धोखा देकर मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई हूँ क्योंकि जब मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा तो मुझे अच्छे लगने लगे। मेरी बहन ने मुझे बहुत रोका
उसने मुझे बहुत समझाया कि तुम उस किस्म के लड़के नहीं हो, पर लेकिन सारी बातें भूलकर मैं आज तुम्हारे साथ आई हूँ ये सब सुनने के लिए। अच्छा तो फिर किस तरह का लड़का हूँ मैं तुम्हारी बहन की नजर में? एक प्लेबॉय जिसके साथ किसी भी लड़की को संजीदा नहीं होना चाहिए। अगर लड़कियां खुद मेरे साथ एंजॉय करने की ख्वाहिश रखती हैं तो उसे मेरा क्या कसूर है? नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, कसूर तो मेरा है, मैं ही गलत समझ बैठी हर चीज को, पर इतना आगे तक सोच लिया मैंने। समाहर तुम बिलावजह सीरियस हो रही हो। तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं ही बहुत संजीदा हूँ। समाहर